कोविड के दौरान जो हमारी रोडवेज है, जो हमारी परिवहन निगम है, काफ़ी आर्थिक रूप से क्षति हुई है, भारी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि बसों का संचालन, बसों की गतिविधियाँ खत्म सी हो गई, बसों का चलन संचालन अवरुद्ध हो गया, आवाजाही बिल्कुल नहीं हुई, उससे कर्मचारियों का वेतन निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया। कई महीनों तक हम उनको वेतन नहीं दे पाए। राज्य सरकार ने निरंतर आर्थिक मदद के आधार आर्थिक मदद से हम उनको वेतन दे पा रहे हैं। अभी भी हमने 34 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री के हमने कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि जो यह माननीय मुख्यमंत्री जी और यह निर्णय उन पर उनको निर्णय लेने के लिए हमने अधिकृत किया, और जिसके आधार पर 34 करोड़ रुपया अभी हमने अवमुक्त किया है, मुख्यमंत्री जी ने अवमुक्त किया है। लेकिन अब धीरे धीरे बसों का संचालन प्रारंभ हुआ है, और दूसरी तरफ एक वृहत रूपरेखा एक कार्य योजना भी तैयार की है, व्यापक चर्चा भी हुई है, हर बिंदु पर हमने बातचीत की है, और जो हमारी हम चाहते हैं कि हमारे जो अनावश्यक खर्चे हैं उसमें भी कटौती करने का हमने मन बनाया है। कर्मचारियों को भी निर्देश दिए कि वो अपना कोताही न बरतें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और नियमित रूप से अपनी सेवाएं दें। तो कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। हमारी जो उत्तर प्रदेश में हमारी परिसंपत्तियां हैं, दिल्ली में हमारी परिसंपत्तियां हैं, उसको भी हम चाहते हैं कि राज्य सरकारों के साथ आपसी समन्वय से उसका समाधान निकले, जिससे कि हमारी जो वहाँ से हमें धनराशि मिले उससे हम अपने परिवहन निगम को सुदृढ़ बना सकें और भविष्य के लिए एक अच्छा कोष इकट्ठा कर सकें, जिसमें कि ऐसे वक्त में जब कठिन दौर होता है उस वक्त हम मदद भी कर सकें और परिवहन निगम निरंतर गति से सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकें।